18 घंटे की सिर्फ जो था उसका बैकअप था, अब हमारे पास ये पूरे चार दिन का बैकअप है। तो उस दृष्टि से, ऑक्सीजन की दृष्टि से कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी मैं समझता हूँ कि नहीं आने वाली। और पहले जो हमें जो ऑक्सीजन गैस मिलती थी वो हमें पानीपत से मिलती थी, और अब जो है वो उसका सेंटर जो है वो हमारा बद्दी के अंदर जो वो वहाँ से बदल दिया है, जहाँ हम 2 घंटे के अंदर ही हमारी जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर अवेलेबल हो सकती है। अभी तक जो मुझे बताया गया कि हमारे यहाँ फर्स्ट डोज जो है 113% लग चुकी है और सेकंड डोज है 95%। लेकिन ये जो फिगर है इसके अंदर सभी पंजाब के जो 7 लगते हिस्से हैं, चाहे वो जीरकपुर है, चाहे यहाँ से यूँ कह लीजिए कि ये बद्दी है, परवाणु है, यहाँ के बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर आकर के डोज लगवाई थी, पिछली बार वैक्सीन लगवाई थी, और 95% जो है वो सेकंड डोज यहाँ पर लगी है, उसमें भी ये सब लोग इंक्लूसिव हैं। लेकिन मैंने कहा है कि इसमें से सारी की सारी जो अलग अलग करी, और उसके अलावा जो मुझे आज कहा है कि 15 जनवरी हमारी टारगेट डेट है कि 15 जनवरी तक पंचकूला ज़िला 100% वैक्सीनेटेड ज़िला बन जाएगा। ये टारगेट हमने आज यहाँ अब सब में जो अधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको दिया है। और इसके साथ साथ जिस प्रकार से कोविड केयर सेंटर के अंदर बहुत सारी एनजीओज इन्वॉल्व हुई थी, उन सभी एनजीओज की जल्दी से जल्दी मीटिंग बुला करके कोविड केयर सेंटर को ऑपरेशनल करने के लिए वहाँ अच्छा खाना मिले, कुछ जैसे एनजीओज आई थी जिन्होंने फ्रूट सर्व किया था, कुछ एनजीओ आई थी जिन्होंने एग सर्व किए थे, तो उन सारी एनजीओज को साथ लेकर के जो आने वाली जो मैं कहूँगा कि आपदा है, जो थर्ड वेव है, इसको हम रोकने का प्रयास करें। और हम सब मिलकर के जो हमारे इंसिडेंट कमांडर हैं, 14 इंसिडेंट कमांडर्स को हमने कहा है कि सारे के सारे जो उनकी वहाँ पर टीम्स थी उनको सक्रिय करें, और जो भी कोई अभी भी लोग जिन्होंने फर्स्ट डोज या सेकंड डोज नहीं लगवाई है उनको आइडेंटिफाई करके वो फर्स्ट और सेकंड डोज हमारे जो हैं वो इसको लगवाएं। इस प्रकार का जो हमारा दूसरा था कि जैसे मैंने कहा कि मेडिसिन और इंजेक्शन के बारे में, जो घरों के अंदर होम आइसोलेशन के अंदर लोग रह रहे हैं, अभी बहुत सारे लोगों को होम आइसोलेशन है क्योंकि सीवियर इसका इफ़ेक्ट नहीं है। होम आइसोलेशन किट्स उनको घर के अंदर जा कर के वो डिस्ट्रीब्यूट करके आएँ, और हर पेशेंट के पास वो सारी होम आइसोलेशन किट्स के अंदर जो मेडिसिन हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए मेडिसिन हैं, वो सारी मेडिसिन उनको अवेलेबल है। और जिस तरह से पिछले कोरोना के पीक के समय सेकंड वेव में कुछ निजी अस्पतालों द्वारा जमकर लूट मचाई गई थी और आपके द्वारा तब भी संज्ञान लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी कुछ निजी अस्पताल, इस बार भी क्या नज़र रखी जाएगी पहले ही ऐसा ना हो? बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल को गरीब लोगों के साथ, गरीब लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने की इजाज़त हम बिल्कुल नहीं देंगे। इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि कहीं पर गरीब लोगों के साथ जो पेशेंट्स हैं उनकी एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनके साथ किसी भी प्रकार से ओवरचार्जिंग। देखिए, मैं समझता हूँ कि एक लोकतांत्रिक देश के अंदर प्रधानमंत्री जो है सबसे, मैं कहूँगा कि उच्च स्थान के ऊपर है, और वो प्रधानमंत्री किसी एक प्रदेश का नहीं है, वो पूरे देश का है। और इस प्रकार से जो पंजाब के अंदर उनकी सुरक्षा में चूक हुई है, बहुत गंभीर मामला है, बहुत चिंताजनक मामला है, और इस मामले को हल्के में नहीं लिया जा सकता। कहीं कई बार तो ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से रूट को ब्लॉक किया गया वो कोई ना कोई साजिश हो सकती है। इस बात के लिए एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो भी जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।